दोस्तों हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। और आज बोलोगे कि यार इतने अरसे से ये रिएक्शन कर रहा था, मैं कहां से आ गया। आ गए भाई, इतना लंबा ट्रिप मार के 5 दिन का स्काउटिंग का, तो उसकी वीडियो सुकून से अगले साल या अगले साल से पहले आ जाएगी। यार दिन खत्म होने वाले वैसे भी, तो उससे पहले चंद बोल हमारा जो हमने इस साल में मीम्स की सूरत में देखे, आज हम उसका वो पूरा रिव्यू करेंगे, रिवाइंड करेंगे। और चैनल का नाम है मीठी मीठी, उसकी वीडियो पे हम करेंगे। क्यों भाई, कैसा दिया? क्या मीठी मीठी, क्या मीठी मीठी? अरे चैनल का नाम है, उसकी वीडियो पे हम रिएक्शन करेंगे। तो बिना किसी बकवास के हम अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। जो कुछ हुआ था ना, सारा कुछ इस वीडियो में इस सारा डाटा को ना इकट्ठा करने में ना बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। तो ना फटाफट से ना वीडियो को पहले से ही लाइक कर दो, अगर लाइक शाइक ना मिले तो दिल टूट जाएगा सनम। आपका 2022 कैसा रहा है और इस चैनल के जरिए 2022 में आपको मजे आए हैं कि नहीं? लाइक और शेयर कर दिया ना, चलो भी लेट्स गो। यार 2022 की शुरुआत ही सुट्टा लगा के हुई थी, पूरे 2022 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ ना, 2022 में जो सबसे पहली वीडियोस वायरल हुई थी वो हुई थी अलीजे शाह की, जो लगा रही थी सुट्टा। साल के शुरू में ही अलीजे शाह अपनी गाड़ी में बैठकर सुट्टा लगाने में मसरूफ थी। शब्बीर आज भी तश्वीश में है कि वो सिगरेट भरा था या सादा था। तो कुछ इस तरह से सुट्टा लगा के शुरुआत हुई 2022 की, और पूरा साल फिर नशे में ही चलते रहे। वीडियो वायरल हुई कैलाशी गर्ल्स की। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ नहीं, सच है, भाग जाते हैं। भागने के बाद शादी कैसे होगी? भाग कर करते हैं ना, निकाह करते हैं। ये सुनने के बाद ना पाकिस्तानी सिंगल अवाम ने ना पहली कमेटी लेके या अपने घर का लोया लेलन भेज के पैसे इकट्ठे करके ना कैलाश की तरफ दौड़ लगाई हुई थी। वो सारे कह रहे थे कि हमारा प्यार हमें पुकार रहा है, मेरे को जाना। बाद में पता चला इसके साथ भाग जाए तो कोई मसला नहीं, चाहे कैलाश के साथ भाग जाए तो कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी मुस्लिम वगैरह, आप मुस्लिम नहीं है? मैं तो कैलाशी हूँ। फिर ये सुनने के बाद आधे रास्ते ही वापस आ गए। इसके बाद ना जनवरी के महीने में और साल के एंड में ना काफी सारे कॉन्सर्ट्स भी हुए थे, जिसपे ना जो भी आर्टिस्ट आते थे ना उनके साथ ना काफी सारी बदतमीजी भी हुई थी। और तलहा अंजुम की इस धमकी को कौन भूल सकता है भला? बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, तुमने मेरा मूड बहुत फक किया है। इफ यू वांट टू डू दिस अगेन ब्रो, अगर तू वाकई मर्द का बच्चा है ना तो यहां पे आके मेरे सामने आ, मैं सामने सामने और अपने सामने आ। मैं बराबर इस धमकी पे ना काफी सारी मीम्स भी बनी थी जो कि ना बहुत जबरदस्त थी। मैं यहां पे ऐड तो नहीं करूंगा, वीडियो पूरी बनी पड़ी है, वहां पे जाके देख लो। उसके बाद पीटीए ने आईफोन वालों के लिए ना एक बॉम्ब फोड़ा था जिसका 85,000 टैक्स कर दिया था। तब तो वो बहुत ज्यादा लगता था, मैंने करवाया भी था, अब तो मेरे ख्याल से 1,32,000 टैक्स हो गया है। उसके बाद जनवरी के महीने में मतलब साल के आगाज में ही एक लड़की मशहूर हुई थी अपने ठुमकों के, और साल के एंड में भी एक लड़की फेमस हुई थी वो भी अपने ठुमकों के बलबूते पे। पहले बात करते हैं के आगाज वाली लड़की की। ये कोई गरीब बंदा था बेचारा, मूंगफली बेचता था इस तरह से गा के, उसको किसी ने मिक्स करने को इसने अपने ठुमकों के बलबूते पे आसमानों पे बचा दिया। ये वीडियो इतनी वायरल हुई थी ना कि जिस ऐप पे भी चले जाओ, जिधर नवीन चले जाओ, कच्चा बादाम ही होती रहती थी। इन ठुमकों के बाद फेब के महीने में आमिर लियाकत की हुई तीसरी शादी होने के बाद ना काफी सारा मामला खराब हुआ था, पर उसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। और ना ही वीडियो वो वाली वीडियोस ना मेरे चैनल पे आपको ना दिखेंगी, क्योंकि ही इज नो मोर, तो इसलिए वजह से मैंने ना वीडियो वो प्राइवेट कर दी थी। उसके बाद फेब के महीने में ना कुछ खास हुआ नहीं। उसके बाद आया मार्च का महीना। मार्च के महीना जैसे ही आया ना बाबा जी कांपे टांग गई। अबे हाँ, बिलावल
भुट्टो सरदारी जिन्होंने उर्दू का बेड़ा गर्क करने का जिम्मा अपने कंधों पे लिया हुआ है वो उर्दू की इस तरह से मत मारते ही रहती है। पर ये वाला जो जुमला था ना कापे टांग रही है ये बहुत ज्यादा फेमस है। इस पे ना काफी सारे लोगों ने ना इस पे ना मिमिक्री भी की थी और इस पे वीडियोस वगैरह भी बनाई थी। इसके बाद बिलावल भुट्टो सरदारी का आज तक ये गिला है कि यार इस वजह से मैं इतना फेमस हो गया था फिर भी निदा यासिन ने मुझे अपने शो पे नहीं बुलाया। इसके बाद 2021 और आसिम अजहर के ना ब्रेकअप हो गया था। कभी वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था कभी वो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही थी। इन्हीं सारे रोलियों को खत्म करने के लिए मार्च के महीने में आसिम अजहर ने मीरब के साथ शादी कर ली और हानिया अमर का हाल था दुम ताना नाना धीरे ना धीरे। इसके बाद अगर वैसे देखा जाए ना तो फेब का महीना क्योंकि उसमें आती है वैलेंटाइन डे ये वो फलांटी। पर मार्च के बाद आया अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में सभी की आशिकी ना फोनली अरूज पे थी। कोई किसी के लिए घर से भाग रहा था कोई किसी के लिए घर पे भाग रहा था। इसी तरह से दो लड़कियां थी एक दुआ ज़ारा एक निमरा काज़मी जो कि आज तक ना मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई। माँ बाप पुलिस वालों पे इल्जाम लगा रही थी और बेटी माँ बाप पे इल्जाम लगा रही थी। कोई कह रहा था कि इस लड़की को इन्होंने अगवा किया हुआ है और ये इसका जो हस्बैंड है वो इस गैंग का सरगना है और जो इस लड़के का हस्बैंड है मतलब उनके मुताबिक गैंग का सरगना उसके हालात चेक करो। तो चरस उसके बाद मई के महीने में क्या हुआ लोगों की दो तीन तीन शादियां होती हैं। आमिर लियाकत की तीसरी तलाक हो गई थी। उसके बाद जो टॉपिक या वीडियो वायरल हुई थी वो हुई थी डोली फैशन की। आग लगाई काम ही नहीं है। कहीं पे पहले आग लगी हुई थी या सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जंगल में आग लगाई। पर इस वीडियो बनाने पर डोली फैशन की अच्छे वाली कुत्ते वाली हुई। इस तरह वीडियो बनाने पे ना डोली पे ना FIR भी हो गई थी। पर डोली ने ऐसा किया कि मेकअप के बगैर ना अपनी एक तस्वीर ना SHO को भेज दी थी। SHO ने वो तस्वीर देख के तस्वीर भी डिलीट कर दी और FIR भी डिलीट कर दी। इसके बाद जून के महीने में जो टॉपिक आया वो आया मिनरल वाटर मिनरल खान का। मिनरल खान ने क्या किया था कि काइली जेनर ने एक ना स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें वो ना नाश्ता कर रही थी बहुत बहुत अच्छी चीजें ना अपने सामने रख के और मिनरल खान ने उसी काइली जेनर के स्टोरी का स्क्रीनशॉट लिया और अपनी स्टोरी पे लगा दिया। मिनरल खान ने सोचा कि पता नहीं सारे जो मुझे फॉलो करते हैं पता नहीं कुछ डूंगे पिंड से रहते हैं इसे काइली जेनर का पता नहीं होगा किसी ने फॉलो ही नहीं किया होगा उसको और मिनरल खान वहां पे कलरफुल हाथों से पकड़ी गई। और उसके बाद एक और डांस वायरल हुआ पर हाँ इस दफा डांस वायरल हुआ लड़कों का और वो था ये वाला। उसके बाद आया अगस्त का महीना। 2018 का जो केस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था अप्रैल में। उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त तीन महीने बाद हीरा मानी को पता नहीं क्या हुआ इसे अब होश है या इसने PTCL का इंटरनेट लगवाया हुआ है इसे इतनी लेट खबर मिली। जब ऑलमोस्ट ना उन दोनों का केस ना सभी भूल गए थे तब हीरा मानी ने इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगाया और उसमें 2018 और उसका वो हस्बैंड और चूचा या की पता नहीं की नाम उसका लाजवाब इश्क की मोहब्बत की दास्तानों पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था कि मोहब्बत की दास्तान रकम हो गई है। ये सब सुन के ना आवाम ने चढ़ गया गुस्सा। आवाम ने लाली जुती और साइड पे रख दी और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे इसकी ना काफी की। फिर हीरा मानी को किसी ने होश दिलाई थी कि बीबी तेनू की हो गया किसी ने पूछ ही लिया अगर सियाने बंदे नू। फिर हीरा मानी ने एक ना पोस्ट की थी उसमें रोते हुए सभी से ना अपोलोजाइज किया था और अपोलोजाइज भी इसी तरह का था कि मैं डोनेट भी तो करती हूँ ना। इस दौरान ना नेटफ्लिक्स पे ना एक सीरीज भी ना रिलीज हुई थी जिसमें ना अहद रजा मीर भी थे और उस नेटफ्लिक्स की सीरीज में ना अहद रजा मीर की ना एक चुम्मी का सीन भी था। सभी को ना बहुत ज्यादा गुस्सा था नहीं इस बात पे नहीं कि हजरत अमीर ने चुमी ली वो कह रहे थे कि कले कले व्हाट आर यू अगेंस्ट दिस मैन। और इसके बाद ना स्टार्ट हो गया था एशिया कप। एशिया कप में यार क्या क्या ही सीन हुए थे। अफगानिस्तान को हराना आसिफ अली की लड़ाई उर्वशी और नसीम शाह की लव स्टोरी। हम वो सीरीज हार तो गए थे पर वो सारी सीरीज ना बड़ी ही जबरदस्त रही थी देखने के मजे आए थे। और इसके बाद T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था वो तो यार क्या ही उसकी जर्नी थी। हम तो पहले ही लगता था कि अभी दूसरे मैच में
ना बाहर हो जाएंगे। कैसे बॉटम ऑफ द लिस्ट से टॉप ऑफ द लिस्ट आ गए थे और फाइनल तक में भी पहुंच गए थे। क्या यार जबरदस्त की ना सीरीज थी। और इसके बाद सिंगल हजरात के दिल से गालियां सुनने के लिए हम मधु करेंगे राहिल को, जिसकी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, 12 गर्लफ्रेंड थी। इमोशनल और ये चौधरी साहब उनसे आईफोन तक मंगवाते रहे थे। उसके बाद ये किस तरह से एक्सपोज हुए, कैसे इनका पांडा फूटा, सारी वीडियो ना मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर नहीं देखी तो मुझे आके देख लेना। और इसके बाद आ गया है ऑलमोस्ट साल का एंड, और एंड में जाते जाते बिना ठुमके लगे। मेरे दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की का ये डांस ना इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। क्यों हुआ था? शब्बीर आज भी इसकी तलाश में। इसके बाद इस लड़की के ठुमकों को खराज तहसीन पेश करने के लिए ना निदा यासीन ने इसे अपने शो में बुला लिया था, और इसे इसके इन ठुमकों की बिना पे नहीं इसे तमगा ठुमकियात भी पहनाया गया था। मेरे दिल ये पुकारा आजा वाली लड़की का ट्रेंड ना खत्म ही नहीं हो रहा था जब तक एंट्री नहीं हुई अख्तर लावा। ये भी ना काफी ज्यादा ना फेमस हो गए थे, पर इनका शिकवा ये है कि अभी तक उनको ना निदा यासीन ने अपने शो में नहीं बुलाया। अख्तर लावा ने ना इसी वजह से ना निदा यासीन से ना कट्टी कर दी है। 2022 के अभी तक के आखिर में ना इसी लड़की की, मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये भी सुट्टा लगा रही है। साल शुरू हुआ था, सुट्टा लग रहा था, साल खत्म हो रहा है, आज भी सुट्टा लग रहा है। इस पूरे साल में ना सारे कोई ना सस्ते नशे में रहे हैं। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स पे मैंने बात की है ना, सभी की वीडियो मेरे ना चैनल पे ना पड़ी हुई है। और ऑलमोस्ट 2022 में जितना भी कुछ हुआ था ना, सभी पे मैंने वीडियो बनाई थी। अगर किसी टॉपिक पे नई वीडियो बनाई थी ना, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि 2022 में ये भी हुआ था। हाँ, अगर जो कोई ड्रामास वगैरह की कोई इस तरह की कोई होती है तो उस पे मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता होता। इस तरह अगर कोई वीडियो वायरल हो, मीम हो, ये वो, उस पे मैं वीडियोस वगैरह बनाता होता हूं। और ऑलमोस्ट मैंने सारा कवर किया। अगर कुछ रहता है तो वो नीचे जरा ना कमेंट करके लास्ट बताओ, वो ये भी लास्ट बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है और आपका 2022 कैसा रहा। और ये भी लास्ट बताना कि 2022 में मेरे चैनल के जरिए आपको मजे आए हैं कि नहीं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो। तो भाई वीडियो तो भाई बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा जल्दी रखना चाहिए, वीडियो बहुत जबरदस्त थी, बहुत बेहतरीन थी। साल में ये तमाम हरकतें हुई जिसके बारे में आपने सुन लिया होगा, और जिस तरीके से हमारे हर्ष भाई को नींद आ रही है, तो इसके साथ हमारी इस वीडियो को दे इजाजत। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।